वो जो बादल ऊपर दिख रहे हैं ना, बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो वैसे मैं थोड़ी देर के लिए बाहर से ही क्या रिकॉर्ड कर लेता हूँ। एक तो होता क्या है, ये राइट हैंड बाहर निकाल के करता हूँ ना, तो पूरी देखो बाजू मेरी गीली हो चुकी पानी से इतना। बाकी हमने केला को भगवान के पास रखते हैं भोग लगाने के लिए। चलो, ये गाड़ी पटना जाने वाली सबसे कम टाइम लगाती है मुंबई से पटना के बीच में। उसके भाई ऊपर साइड देखो कैसे ऊपर बादल पास आए हुए हैं। तो फिलहाल सुबह के 9:30 के करीब टाइम हो रहा है। अभी तो CST रेलवे स्टेशन के बाहर ही हूँ और भीड़ इतनी हो जाती है ना, अभी लोकल ट्रेन आते भीड़ ऐसे बाहर आने को लग जाते हैं लोगों की। तो हाँ जी बॉस, कैसे हैं आप लोग? फिलहाल मैं हूँ मुंबई में, अभी आया था, अभी अरावली एक्सप्रेस में आया हूँ। वो लोग बाद में आएगा, पहले इसका आ रहा है, क्योंकि मैंने ये सारा प्लान, पहले तो मैंने इसके लिए ये बुकिंग करवाई अरावली की, और उसके बाद वो जब मैं एक जर्नी कंप्लीट कर लूँगा तो मेरा NFR वाला रूट शुरू हो जाएगा उसके बाद। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं इंद्रजीत फिलहाल देश की फिनेंशियल कैपिटल से एक आज जर्नी करने जा रहा हूँ, जो कि मतलब फर्स्ट टाइम इस कैटेगरी की ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ। वैसे तो ये आई थिंक दो ही चल रही है अभी फिलहाल इंडिया में। जी हाँ, सुविधा एक्सप्रेस की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि मुंबई से लेकर पटना के बीच में जाएगी। मैं पूरा पटना तक जा रहा हूँ इसमें। वैसे उस साइड वाले जो प्लेटफॉर्म है वो तो सारे लोकल वाले हैं, जो लॉन्ग रूट की ट्रेन है वो यहीं से ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। और हॉल तो भाई ये सब देखो पूरा खचाखच भरा हो रहा है ये वाला हॉल। मुझे लगता है मुझे अंदर ही जाना पड़ेगा, यहाँ तो बैठने के लिए मुझे कुछ नहीं मिलेगा। 1, 2, 3, 5, 6 मुंबई CST पटना सुविधा एक्सप्रेस, जो कि बाई वीकली ट्रेन है बेसिकली देखा जाए तो। ये अभी आज ये चलेगी ऐसे 11 बजे यहाँ से, और कल दोपहर के 12:50 या 1 बजे के करीब मेरे को पटना पहुँचा देगी। वैसे लेट तो होती नहीं है, मैंने अभी तक जितनी भी इसकी लोकेशन चेक की है टाइम पर ही रही है। और जिस वजह से मैं ये ट्रेन जर्नी आज कर रहा हूँ, मैंने देखो महीने पहले की इस ट्रेन की बुकिंग करवाई है कि मेरे को सुविधा करनी है। बताता हूँ क्यों, क्योंकि देखो पहले जो सुविधा मतलब पहले चलती ना सुविधा एक्सप्रेस, उसका फेयर बहुत बढ़ जाता था, डायनेमिक इतना लग जाता था ना। लेकिन अभी फिलहाल इस ट्रेन का किराया नॉर्मल हो चुका है, इसका भी, और जयपुर वाली भी सुविधा चलती है ना, जयपुर यशवंतपुर नॉर्मल हो चुका है। कभी मौका लगा तो उसमें भी जर्नी करूँगा, फुल करूँगा यार किसी टाइम पर, अभी फिलहाल इसमें कर रहा हूँ। और यही है, अभी तो इस साइड पर जा रहा हूँ यार। एक तो चलना बहुत पड़ता है यार, पीछे से पूरा चलकर आना पड़ता है ना, दिक्कत बहुत होती है यहाँ पे। वैसे एक बात तो है यार, अभी फिलहाल कुछ अभी कुछ थोड़ा बहुत टाइम हुआ है, रेलवे को ना अपनी गलती पे थोड़ा एहसास होने लग गया है। ये तो पहले रेलवे अपनी मनमानी बहुत करता था, जो उनसी भी ट्रेन है उसमें स्लीपर कम कर रहा था, AC बढ़ाया जा रहा था। अभी थोड़े बहुत कान खुले रेलवे के, वो भी थोड़े बहुत, पूरे अभी भी नहीं खुले, क्योंकि पूरे स्लीपर अभी भी नहीं लगाए जा रहे। जैसे किसी गाड़ी में अगर 4 स्लीपर है तो उसमें 2 और लगा रही है, किसी में 2 है तो 4 और लगा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 रख रही है, इससे ज़्यादा अभी भी नहीं रख रही। हालांकि रखने कम से कम 8 चाहिए अगर किसी गाड़ी में पहले थे तो, अगर पहले इतने नहीं थे तो फिर उतने रखो जितने पहले थे ICF में। वैसे मैं एक्चुअली मैं फ्लो में आगे ही चला गया था अंदर से, अब वापस आया हूँ यहाँ बैठा हूँ, क्योंकि गाड़ी का यहाँ पे पहले दिखा नहीं रहा एक्चुअली मैं प्लेटफॉर्म कौन से पे आएगी। यहाँ पे बस ये दिखा रहा है 11:05 पे निकलेगी अभी आया था, लेकिन ये नहीं दिखा रहा कि कौन से प्लेटफॉर्म से जानी है। वैसे मैं ऐसे देख रहा था स्क्रीन पे तो मैं भी दिख रहा हूँ यहाँ पे, ये देखो सबसे आगे साइड में बैठा हूँ मैं, शेर भी आगे बैठ गए यार। मैं वहाँ से लेकर अभी लगभग आधा प्लेटफॉर्म चल के आ चुका हूँ यार। एक तो ये बड़ी दिक्कत है, देखो उस प्लेटफॉर्म पे बैठने के लिए फिर भी चेयर्स वगैरह लगी, यहाँ तो कुछ भी नहीं लगा हुआ, लोग ज़मीन पर ही बैठ रहे हैं। एटलीस्ट रेलवे को ये तो अरेंजमेंट करना चाहिए यहाँ बैठने का। मतलब प्लेटफॉर्म पे आता ही बारिश जो है ज़ोर की शुरू हो चुकी है, पहले तो धीरे धीरे हो रही थी, यानी कंटिन्यूस पिछले 1.5 घंटे से बारिश हो ही रही है अभी। चलो ये सही है, रास्ते में जो कसारा घाट है उसका बारिश में व्यू भी बड़ा अच्छा आएगा। फिर फिलहाल अभी 10:40 हो रहे हैं, बस 25 मिनट पहले डिपार्चर से अब गाड़ी लग रही है अपनी 10 नंबर, काफ़ी टाइम हो गया इसको, अब तक तो ये लग जानी चाहिए थी। वैसे वाली साइड है इसके पीछे S1 से शुरू है, आगे S8 तक जाएंगे, फिर B1 B2 B3 ऐसे है कुछ कोच कॉम्पोजिशन इसका, इसमें जनरल नहीं है बिल्कुल भी, सिर्फ रिजर्व कोचेस ही हैं। तो बॉस यही है मेरा वाला कोच B3। चलो यहीं से अंदर जाता हूँ इसका। और अरे टिपिकल हमसफर वाला इंटीरियर है यार इस गाड़ी का,
यही है। और मेरा सीट तो 61 है यार, मिडल वाला मिला मेरे को, एक्चुअली मैं लोअर मिल नहीं पाया। एक्चुअली हुआ क्या था, मैंने एक्चुअली में इसके करवानी इकोनॉमी क्लास में थी, लेकिन हुआ क्या, मैंने एक्चुअली में ना मेरे मम्मी को मैंने से वो रेलवे में तो उनको ना फॉर्म दे दिया था भर के कि इसकी बुकिंग करवा देना। उन्होंने गलती से किया कि मैंने थर्ड एसी इकोनॉमी लिखा, तो उन्होंने थर्ड एसी करवा दी, तो फिर ऐसे ही मेरा थर्ड एसी में हो गया। वैसे करवानी इकोनॉमी में थी, लेकिन अब मेरे को रिलाइज हो रहा अच्छा कि इसमें करवा लिया, हम सफ़र वाला इंटीरियर मिल गया मेरे को। यही है इस गाड़ी का इंटीरियर, दो ही चार्जिंग सॉकेट इधर है, दो ही उस साइड है, इस साइड दिया नहीं होगा वैसे पर पर्सन के लिए है नहीं, उस साइड पे भी नीचे वाली साइड है, ऊपर वाली साइड भी है, बस इधर ही है दो दो, बाकी चलो ये अच्छी बात है। बेडिंग भी रखी हुई है और इसमें हैंड टॉवल दिख रहा है ऊपर से, अगर आप गौर करोगे तो। इस चीज़ देखो, ये देखो क्या कलाकारी की हुई है, देखने से तो ऐसे लगेगा ना किसी बच्चे ने किया है, हो सकता है किसी बड़े ने भी किया हो, मुझे ऐसा लगता है कोई मिडिल बर्थ वाला ही होगा, लेटे लेटे उसने ऐसा कुछ कलाकारी की होगी, लेकिन जो भी है बिल्कुल वाहिया सी चीज़, ऐसा करना नहीं चाहिए। और वहाँ भी देखो यार, चार्जिंग सॉकेट का वही ऊपर से निकाला होगा, बार का जो बेस होता है देख रहे हो ना यार। वैसे हम लोग बोलते हैं कि रेलवे हमारी ही प्रॉपर्टी है, कि आम नागरिक की ही यूज़ है, लेकिन हम ही उसको ख़राब कर रहे हैं। और ये आपको बताऊँ इस गाड़ी की क्या कहानी है, ये गाड़ी का जो रेक शेयरिंग है ना, वो है आनंद विहार पटना समर स्पेशल के साथ। और उसका भी आपने पिछले महीने सुना ही होगा कि लोगों ने जब एसी नहीं चल रहा था तो उसका शीशा तोड़ दिया था, आपने सुना ही होगा, तो सोचो क्या हाल कर रहे हैं हम लोग उसका। तो यही मैं आ गया था लोकोमोटिव दिखाने, यही लगा यार, पुणे वेब 70264 फर्स्ट टाइम किसी ट्रेन में जा रहा हूँ जिसमें पुणे का वेब 7 लगा। चलो सही है, अब बस 15 मिनट भी बचे इसके निकलने में भी, तो पीछे से आगे आया था मैं, मेरा कोच बिल्कुल बीचों बीच है, पीछे से भी बीच में आगे से भी। सो 11:17 अभी 17 मिनट हो रहे हैं, 15 मिनट डिले से डिपार्चर हुआ है क्योंकि एक बार चेन पुल भी हुआ था इस गाड़ी का। चलो अब तो बिल्कुल ही स्लो हो गई है, बाय बाय मुंबई, फिर आऊँगा दोबारा यार मुंबई में। आओ यार जून जून जुलाई में कभी भी आ जाओ, मानसून आपको ऐसे ही मिल जाएगा यार। और उस साइड पे 18 नंबर साइड पे सीआर राजधानी अराइव कर रही है, बहुत बढ़िया गाड़ी यार, इस गाड़ी में तो दोबारा दोबारा मन करता है ट्रैवल करने का। ये सीन है, जैसे मैं गेट के पास अगर वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो फ़ोन में कैमरा पे ऊपर पानी आ जाता है बोले, तो उस वजह से धुंधला हो रहा है अभी फिलहाल। और बाकी इस गाड़ी का ये है, चलो मेरा वाला कंपार्टमेंट तो अभी फिलहाल खाली पड़ा, हो सकता कल्याण से ऑक्यूपाइड फुल हो जाएगा, फिर हो सकता मेरे को मिडल वाली बर्थ अपनी ऊपर करनी पड़ जाए। ये गाड़ी पटना जाने वाली सबसे कम टाइम लगाती है मुंबई से पटना के बीच में, उसके बाद आई थिंक LTT पाटलिपुत्र आती है, वो डेली में सबसे कम टाइम लगाती है, वैसे ये गाड़ी है। और ये गाड़ी सबसे कम हॉल्ट भी लेती है, मात्र 8 हॉल्ट लेती है यहाँ से चल के कल्याण से नासिक भी नहीं रुकेगी, सीधा भुसावल, मनमाड़ भी नहीं, नासिक भी नहीं, कहीं नहीं, सीधा भुसावल, भुसावल के बाद आई थिंक इटारसी रुकेगी, ऐसे करते करते ये पटना कल हमको पहुँचा देगी दोपहर के 1:50-2 बजे के करीब पहुँचाएगी। और अभी जैसे कुछ 26 घंटा 50 मतलब मैं ऐसे कुछ 26-26 घंटा ऐसे लगा रही है ये गाड़ी, तो ठीक है इस हिसाब से। और पहले के टाइम पे अभी जैसे कि मैंने पहले बोला था ना, इस गाड़ी का किराया नॉर्मल हो गया, पहले जब नॉर्मल नहीं रहा ना तब थर्ड एसी का किराया 3,000-3,100 ऐसे चला जाता था, और स्लीपर का किराया 1,500-1,700-1,600 ऐसे तक पहुँच जाता था इस गाड़ी का। अभी बहुत हद तक ठीक है इसका फेयर जो भी है, अभी आई थिंक इसका मेरे को कुछ 1,800-1,850 ऐसा पड़ा इसका थर्ड एसी का एंड टू एंड, और 1,700 कुछ इसका इकोनॉमी का किराया, 1,750 ऐसा कुछ है। और जैसे अभी जैसे गाड़ी CST से निकले को थोड़ा टाइम हुआ, मैं आपसे एक चीज़ बता दूँ कि जैसे सुविधा एक्सप्रेस में काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ आपको, लेकिन अभी ऑफिशियली इस गाड़ी का नाम सुविधा नहीं रहा, अब ये एज ए मुंबई पटना सुपर फास्ट एक्सप्रेस बन चुकी है, हो सकता आगे चल के ऐसा मेरे को लग रहा है इसका नंबर भी आगे चल के चेंज हो जाए, क्योंकि अभी फेयर नॉर्मल हुआ, अभी सुविधा ये नहीं रही, और जयपुर यशवंतपुर का भी मुझे लगता है आगे चल के ऐसा ही होना है।
नागपुर एलटीटी स्पेशल। भाई ऊपर साइड देखो कैसे ऊपर बादल पास आए हुए हैं देखे। तो वैसे मैं थोड़ी देर के लिए बाहर से ही क्या रिकॉर्ड कर लेता हूँ। एक तो होता क्या है, ये राइट हैंड बाहर निकाल के करता हूँ ना तो पूरी देखो बाजू मेरी गीली हो चुकी पानी से, इतना बुरा हाल हो रहा है। लेंस तो चलो कैमरा फोन का गीला होता ही होता है, इतना बुरा हाल हो जाता है। ये वाला भी थोड़ा थोड़ा ऐसा गीला हो रहा है मेरा, तो बार बार ना ये सब चीज़ें सुखानी पड़ती है अभी मेरे को। चलो कसारा घाट भी आना बाकी, सोचो तब क्या हालत होगी। अभी तो कल्याण से पहले ये हाल है। अभी 12:26 हो रहे हैं और गाड़ी अब जाके कहीं कल्याण पहुंचने वाली है, और हैदराबाद मुंबई अब यहाँ से क्रॉस हो रही है हुसैनी सागर। आ गया कल्याण भाई। मुंबई से जो भी गाड़ी बिहार साइड जाती है उसमें क्राउड बहुत होता है यार, इसमें ही देख लो आप लोग बुरा ही हाल है। पीछे वाली साइड ज़्यादा है क्योंकि स्लीपर पीछे वाली साइड ही है इसके, मुझे लगता है वेटिंग वाले होंगे मोस्टली इसमें, वो भी चढ़ेंगे। लो भाई कोच के पास तो पूरा ग्रुप सा बन गया है। मैंने सिया राजधानी की थी उसमें भी ऐसा हुआ था, अब इसमें तो होना ही होना, ये तो है भी नॉर्मल टेंशन भी। अब मुझे लगता है मेरे वाला कंपार्टमेंट भी यहाँ से फुल ऑक्यूपाइड होने वाला है यार। यहाँ पे इतना क्राउड है मेरे को जगह ढूंढनी पड़ रही है खाली कहीं रिकॉर्ड करने के लिए, इतना बुरा हाल है भाई इस गाड़ी का। ये KYN कल्याण इस रूट का मेन रेलवे स्टेशन है क्योंकि यहाँ से खंडाला घाट और कसारा घाट के लिए रूट अलग हो जाता है अभी वैसे। और एक मेजर सिटी भी है बेसिकली कल्याण, डोंबिवली और ट्विन सिटी है ना। डोंबिवली भी पहले निकला था, दो स्टेशन पहले, तो मैं तो अंदर ही चलता हूँ यार, यहाँ पे तो फ़ायदा नहीं है ज़्यादा बाहर निकलने का। देख लो कहाँ 12:02 पे निकलना था, 32 पे निकल रही है और ऊपर से आई मेन लाइन पर है तो एकदम एक्सलरेट करेगी अभी। अरे क्राउड है यार देखो, चलो अब लगभग 390 किलोमीटर बाद सीधा भुसावल रुकेगी ये गाड़ी कल्याण के बाद। हाँ लेकिन बीच बीच में दो जगह रुकेगी, एक इगतपुरी कसारा तो बीच में रुकेगी क्योंकि बैंकर्स अटैच होने वो, तो लेकिन कोई कमर्शियल स्टॉप नहीं है वैसे एक्चुअल में इसका जो टाइम टेबल है, सीधा स्टॉप अब सीधा भुसावल ही है। भाई गाड़ी जैसे जैसे कसारा की ओर बढ़ रही है आगे का वेदर और भी ऑसम होता जा रहा है। आप जरा वहाँ के हिल टॉप पे देखो, आपको व्यू ही बहुत बढ़िया आएगा, ऐसा लग रहा बादल बिल्कुल हिल के ऊपर ही है वहाँ उसके। और कल भी कुछ ऐसा ही मौसम था जब मैं अरावली में आ रहा था, बढ़िया लग रहा है यार।
निकलने को भी कुछ टाइम हो चुका है और अभी पेंट्री से आए थे ऑर्डर लेने के लिए। देखो 1 बजने को करीब टाइम आ रहा है, अब ऑर्डर लेने आ रही है लोग और बोल रहे हैं कि आपको आधे घंटे तक मिल भी जाएगा, यानी फिर हो सकता है कसारा सेक्शन है वो तब ना मिल जाए। चलो जब भी मिलेगा हो सकता है फिर मैं उसके बाद ही खाऊंगा आने को। स्टैंडर्ड बोल दिया वैसे इनको, ले रहे हैं ऑर्डर स्टैंडर्ड उसके हिसाब से। देखो मेरे तो शुक्र है कि मैंने फुल स्लीव वाली डाल ली थी, क्योंकि जब मैं अरावली आज सुबह करके ना मैंने पहले हाफ स्लीव्स की डाली हुई थी, क्योंकि एसी अभी इन्होंने बहुत ठंडा कर दिया। तो बाहर वेदर भी ठंडा ही है और अंदर भी एसी चेंज मार रहा है अभी। चलो बाकी ने तो कह के इनसे ठंडा कर मतलब कम करवा देता हूँ बाद में, वजह से तो ऊपर टाइम हो ही चुका है। और अभी कसारा भी अभी 2-3 किलोमीटर है यहाँ से मेरे को, अब जाके वो दोपहर का लंच लेके गए हैं। इसमें तो आई थिंक रोटी या चपाती होगी या परांठे होंगे, और यही है स्टैंडर्ड मील मंगवाया था मैंने। और देखा मैंने जो स्टैंडर्ड मिला उसकी पैकिंग है बस ऐसी, बाकी की पैकिंग अलग है, वो एक थाली वाला होता है ना कंटेनर वैसा कुछ है। अभी कसारा से 2-3 किलोमीटर पहले रुकी पड़ी है, मैं सोच रहा हूँ इसको फटाफट से ख़त्म करूँ अभी। चलो फटाफट खोल तो दिया है क्योंकि फिर कसारा सेक्शन बीच में आएगा। यही है यार, चावल और दाल तो चलो होती है और देखने में अच्छी लग रही है वैसे, दाल ज़्यादा थिक नहीं है लेकिन नॉर्मल है। और ये मुझे पता नहीं कौन सी सब्ज़ी है, कोई पेठा लग रहा है, आई थिंक मटर है पेठा ऐसा कुछ लग रहा है। चलो इसको फटाफट निपटाता हूँ, बाद में एक ही बार में बता दूँगा कैसा था। और इन लोगों ने लेकिन परांठे नहीं दिए, तीन रोटी दी हैं, परांठे नहीं दिए। चलो वैसे मैंने अभी एक रोटी तो खा के देखी है। देखो रोटी वैसे देखने में मेरे को लग रहा है कि ये उन लोगों ने ना बाहर से इंपोर्ट की है, मतलब बाहर से लोड हुई है ये तो जरूर। चलो पेंट्री में बनाऊंगा ये, क्योंकि देखने में ऐसी रोटी मुझे नहीं लगता पेंट्री में बनी होगी। पेंट्री में तो वो पराठे बनते हैं, वो भी ये लोग जल्दबाजी में बनाते हैं। तभी ये बिल्कुल पैक होके आई थी वहाँ से। तो टाइम फिलहाल 2 बजने को आ रहे हैं, कसारा पे आके गाड़ी खड़ी हो गई है। वेल मेरे को अंदर थोड़ा टाइम लग गया, खाना खा रहा था ना फिर ड्राइवर भी नहीं ले पाया उस चक्कर में, और उस चक्कर में इस बार जल्दी जल्दी खा कर आया। देखो मैं चाहता ना तो बाल में भी खा सकता था, लेकिन एक्चुअली में मेरी लोअर सीट कोई नहीं ना है, वो नीचे वाली सीट पे फिर रख के आऊँगा तो अच्छा नहीं लगेगा को पैसेंजर को, उनको अगर लेटना होगा तो। फिर अब यहाँ से शुरू होगा कसारा घाट। अब मौसम ही देख लो इतना बढ़िया है, चारों तरफ बादल छाए हैं, उसमें क्या लगेगा कसारा घाट, बिल्कुल बढ़िया व्यू आएगा यार, मैं तो उसके लिए एक्साइटेड हूँ। और ये वैसे टेक्निकल हॉल्ट है, मैंने पहले बताया पीछे से बैंकर लोकोमोटिव अटैच होने हैं और आगे गढ़पुरी पे वो डिटैच भी होने हैं। वैसे यहाँ कसारा रेलवे स्टेशन पे आपको या इस एरिया में आपको ऐसे जामुन मिल जाएंगे 20-30 रुपये में। ये मैंने पहले भी ट्राई किया हुआ जब मैं मंगला लक्षद्वीप में ट्रैवल कर रहा था, और हर कोच के बाद ऐसे कोई लेडीज आपको सेल करते हुए दिख जाएंगे। भाई मैं पीछे आया था स्लीपर कोचेस के पास, यार इनका इतना बुरा हाल है, वेटिंग वाले गेट पे बैठे हुए गेट ऑक्यूपाइड करके, बुरा हाल है स्लीपर कोचेस का। चलो आगे चलता हूँ, ये देखो आपको हर कोच में पास यहाँ आपको ग्रुप लगा हुआ है लेडीज़ का जो सेल कर रहे हैं आपको। बढ़िया यार, ये भी मैंने अब तो नहीं ले रहा, पिछली बार ट्राई किया था अच्छा है। ये देखो सारा तक अभी तक मुंबई से कसारा तक हमने 120 किलोमीटर ट्रैवल किया है। चलो गाड़ी कसारा से तो निकल गई है, अभी देखो एकदम से एक्सेलरेट कर रही है ये गाड़ी। और गौर से आगे देखोगे तो हम लोग अभी ग्रेडियंट को चढ़ रहे हैं थोड़ा सा। अभी तो बस कुछ ही मिनट हुए इसको कसारा से निकले हुए, आगे का व्यू चेक करो यार, वो जो बादल ऊपर दिख रहे हैं ना बहुत अच्छे लग रहे हैं।
साइड से भी देख लो यार, क्या ब्यूटी है इस रूट की। तो मैं इन्हीं क्लाउड्स की बात कर रहा था, और यहीं नहीं आपको आगे वाली साइड पे कुछ ऐसा ही दिखेगा व्यू। आप सोचो आप इस रोड पे ड्राइव कर रहे हो बाइक और अचानक ऐसे ट्रेन साथ में मिल जाए आपको, मजा आएगा यार। जो मोटो व्लॉगिंग कर रहे हैं ना, ये रूट कमाल का है आपके लिए, जन्नत है पूरी। लाइन पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, वो ट्रैक सभी बंद किया होगा और पावर लाइन की भी सप्लाई भी बंद की हुई है वहाँ पे, ठीक है पूरा। सब लोग रिकॉर्ड करने में लगे हुए हैं। और ये भी देखो भाई, उस साइड में देखो वो चढ़ना भी नीचे बहता है पूरा, यहाँ से देख लो। वैसे अभी यह कसारा घाट तो खत्म होने को आ रहा है, जगतपुरी पहुंचने वाला है बस हम कुछ टाइम तक। लेकिन यार कुछ भी कहो, इस रूट को देखने में मज़ा आज भी उतना ही आता जितना मैंने फर्स्ट टाइम पे जब यहाँ से गया था ना तब आया था। बढ़िया बहुत है यार ये रूट, और आज तो वो भी रेनफॉल रही है तो मौसम लग रहा है। मैं आज भी वही कर रहा हूँ जो पहली बार किया था, कि जब पहली बार इस रूट को कवर करने आया तब मैं पूरा पौना घंटा गेट से हिला नहीं था, अभी भी जब से वहाँ का सारा से निकले गेट पर खड़ा हूँ, यहाँ से हिला नहीं हूँ। तो भाई 2:17 पे गाड़ी अब इगतपुरी एंटर कर रही है, लगभग 50 मिनट के करीब हम लोग डिले हो चुके हैं यहाँ से। यहाँ गाड़ी पहुँच तो गई है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा रुकेगी नहीं, क्योंकि यहाँ तो बस डिटैच ही होना है मेन, ज़्यादा टाइम लगता है अटैच होने में। और पीछे मैंने देखा एक स्टॉल लगा हुआ फ्रूट्स का, थोड़ा बहुत फ्रूट्स देखता हूँ अगर मिलते हैं तो।
बस गाड़ी ना निकले। वैसे मैंने देखा अमूमन तौर पे गाड़ी आती उस प्लेटफॉर्म पे, वो जो प्लेटफॉर्म है, लेकिन वहाँ पे तीन लोकोमोटिव खड़े तो इस प्लेटफॉर्म पे आई आ जाए गाड़ी। चलो टाइम रहते ही मेरे को, मैंने फ्रूट्स में से बनाना ही लिया बस, ये 50 रुपये डजन के हिसाब से ठीक है। वैसे भी लास्ट टाइम जब मैंने मंगला लक्षद्वीप में आके खरीदे थे तब 40 के मिले थे, चलो इतना तो हो ही जाता है। अब शाम तक इन्हीं से गुजारा करता हूँ, फिर चाय का तो मुझे नहीं लगता मैं तो पीऊँगा। बाकी आपको वड़ा पाव भी मिल जाएंगे यहाँ पे, और उस साइड पर पिछली बार ऐसा तो इडली वगैरह भी मिल रही थी, इडली वड़ा। चलो बाकी, चलो इगतपुरी से तो निकल गया था, बाकी हमने केला को भगवान के पास रखते भोग लगाने के लिए। चलो आज तो मौसम इतना अच्छा है कि कसारा घाट निकलने के बाद भी ना वो जो हिल टॉप के ऊपर क्लाउड है ना वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। भैया नासिक रोड, गाड़ी का यहाँ पे भी स्टॉप नहीं है, काफ़ी अच्छी स्पीड से जा रही है। गाड़ी अपनी गतपुरी से निकली है ना, उसके कुछ का एक दो सेकंड छोड़ के गाड़ी ने 130 एक्शन यहाँ पे शुरू कर दिया। अब गाड़ी यहाँ से लेकर आई थी कार से 130 पे चलेगी, और उसके बाद फिर प्रयागराज से आई थी गिरी और पटना तक 130 जाएगी। तो गाड़ी कुछ ही समय में अभी मनमाड़ के करने वाले, उससे पहले ये जो अंकाई फोर्ट है ना ये बहुत अच्छा लगता है, जैसे थम्सअप वाला लगता है ना पूरा। गाड़ी स्लो हो गई है, हाई स्पीड स्किप नहीं मिलेगा। बाकी ये जो लाइंस आप देख रहे हो ना, ये अहमदनगर होते हुए आगे पुणे की ओर निकल जाती हैं, और सीधा दौंड के से होते हुए आगे सोलापुर भी चली जाती हैं, और यही है इसमें से एक लाइन जो है ऐसे बाईपास लेके नांदेड़ की साइड भी निकल जाती है। आ गया मनमाड़, स्किप करेगी। सचखंड एक्सप्रेस आ रही है नांदेड़ साइड से औरंगाबाद होते हुए, ये अभी रिवर्सल लेगी पहले यहाँ से,
और पीछे पीछे आएगी हमारे। मेरा प्लान है यार सचखंड में करने का ट्रैवल। से 130 पे तो चलो आ ही चुकी है, और अभी तो चलो मैं ऐसे ही बैठा था और मैं सोच रहा हूँ बाकी अभी आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, यानी नेक्स्ट पार्ट में। पहला पार्ट यहीं तक रखता हूँ, वैसे भी लंबा हो रहा है, कसारा घाट पूरा कैप्चर कर देना इसमें। अब आगे की जर्नी मेरी यहाँ से भुसावल होते हुए पूरी पटना तक आपको मिलेगी। चलो हाँ, मुझे पता ही है वैसे मैं एक नई कैटेगरी की ट्रेन करूँ, नई नहीं मतलब है तो पुरानी, मतलब मेरे लिए नई है ये ट्रेन, तो मुझे पता है नए लोग भी काफ़ी जुड़ेंगे। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि जो आगे वाला पार्ट आएगा उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाएगी। चलो उसी पार्ट में अब आपसे मिलते हैं। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।